सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो द पंजाब टीवी। तो मैं हाँ जज सिंह चाहल। वख वख मुद्दियां ते घिरे मुख्यमंत्री भगवंत मान दे वल्लों एक वड्डा सियासी पेंतड़ा खेडिया गया सी। विरोधी पार्टियां नूं उन्हां ने खुली बहस का चैलेंज कर दिता सी तां जो सरकार तो लोगों का ध्यान हट के विरोधी पार्टियां दे वल चलिया जावे कि विरोधी पार्टियां इस खुली बहस दे विच शामिल हुंदियां ने जां फिर नहीं। अते भगवंत मान पूरी तरह अपने इस सियासी पेंतड़े दे विच कामयाब हुंदे दिखाई दिंदे ने। पूरे पंजाब दीआं नज़रां इस वेले विरोधी पार्टियां ते बणियां होईआं ने कि उन्हां दे विचों किहड़ा किहड़ा खुली बहस शामिल हुंदा है। गल जेकर विरोधी पार्टियां दी कीती जावे तां विरोधी पार्टियां दी हालत अग्गे खूह अते पिछे खाई वाली बनी हुई है। जेकर वो बहस दे विच जांदे ने तां वी फसदे हन अते जेकर वो बहस दे विच नहीं जांदे तां वी फसदे ने। जेकर वो बहस दे विच गए तां आम आदमी पार्टी दे इस प्रोग्राम दे विच उन्हां दी बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो सकती है क्योंकि सारी कमांड बहस दी सरकार दे कोल है। सरकार जिस भी तरीके नाल चाहे विरोधी पार्टियां दे लीडरां दी बेइज्जती कर सकती है जिवें कि विधानसभा दे विच वी कीती जांदी है। अपनियां फोटोआं पूरियां क्लीयर विखाईआं जांदियां ने सरकार दे वल्लों अते विरोधी धिरां दा कैमरा दूरों मारिया जांदा है। रज के बेइज्जती विधानसभा दे विच वी सरकार दे वल्लों विरोधियां दी कीती जांदी है। इस बहस दे विच वी उही हाल विरोधियां दा हो सकदा है अते जेकर विरोधी लीडर नहीं जांदे तां लोकां दे विच आम आदमी पार्टी दे वल्लों प्रचार कीता जावेगा वेखो साडा मुख्यमंत्री किन्ना ईमानदार है। उसदे कोलों ये सारे चोर डर गए हन। ये इमेज ये साख विरोधी धिरां दे लीडरां दी बन जाएगी। हुण विरोधियां नूं समझ नहीं आ रहा कि वह खुली बहस दे विच जाण जां फिर नहीं। इसे नूं लैके ही विरोधी पार्टियां दे वल्लों कई तरह के सवाल सरकार तो पुछे जा रहे ने। सारियां तिने विरोधी पार्टियां जिहड़ियां मुख हन जिन्हां नूं चैलेंज भगवंत मान दे वल्लों कीता गया है उन्हां दे वल्लों हुण वारी वारी मुख्यमंत्री भगवंत मान तो खुली बहस बारे सवाल पूछे जा रहे ने। सब तो पहला सवाल पूछे श्रोमणी अकाली दल ने अकाली आगुआं दे वल्लों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिस दे विच उन्होंने मुख्यमंत्री भगवंत मान नूं आखिया इस बहस का एजेंडा क्लीयर करो। ये डिस्कशन जी जुंडो जुंडी लड़ाई का प्रभाव ना पावे। ये डिस्कशन जी आपसी तालमेल रख के आपसी सांझी व्यूहतबंदी तैयार करने का प्रभाव पावे ते उदे लई मतलब इस तरह की विधि व्यवस्था लई असी टाइम मंगया सी वी तुसी आप आके सारियां पार्टियां नूं सद्दो ते सारियां पार्टियां नूं सद के ये नीति तैयार करो। अदरवाइज तां नहीं ये इस किस्म की एक लड़ाई का अखाड़ा बन जूगा कि तुसी विधि व्यवस्था नॉर्म जिहड़े तय करने आ उदे लई उतों पहला मीटिंग करन नूं तैयार हो कि तुसी इस बहस लई केवल पानियां दे मसले नूं मुख आधार बना के उदे चों कोई रणनीति सांझी तैयार करन लई पहला तय करके फिर किसी बाकी मसलों लिए कोई होर दिन तय या होर समा तय होर थान तय करके ताकि मतलब आप इस मसले को अलझाइए ना मसले इस मसले का कोई ना कोई हल लभीए साडा यही कहना। बिल्कुल इसे ही तर्ज ते भारतीय जनता पार्टी पंजाब दे प्रधान सुनील जाखड़ दे वल्लों भी सरकार दे अगे ये मंग रखी गई कि बहस दे बारे सारी जानकारी सरकार नूं स्पष्ट करनी चाहीदी है कि किस तरीके नाल ये बहस होवेगी कौन कौन उत्थे मौजूद होवेगा। जदों कोई जानकारी साडे सामने नहीं रखी गई है तां फिर असीं अपनी तैयारी किवें करके आवांगे। जाखड़ ने तां इत्थों तक दावा कर दिता कि ये पंजाब ਵਿਚਲੀ ਬਹਿਸ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਟੀਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਵੇਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਆਈ ਡੋਨਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਨੇਮ ਆਫੀਸਰਸ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਤੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਆਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੀਤੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਕਰਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ ਸਟੇ ਉਸ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀਓਂ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਭ ਪੰਜਾਬ ਲੁਧਿਆਣਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ। ਦਿੱਲੀਓਂ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਮਫੈਸਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਦੇ ਇਨ ਕੈਮਰਾ ਹੀਅਰਿੰਗ ਇਨ ਕੈਮਰਾ ਡਿਬੇਟ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਮੈਂ ਕੁੰਡੀ ਲਾ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਕੁੰਡ ਫਿਰ ਸਿੱਧੀ ਆਈ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਜੇ ਕੌਡੀ ਕੌਡੀ ਖੇਡਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਖੇਡ ਲਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਆਊਗਾ
सही सलामत तुसी देख लियो भी किहदा मुद्दा जिते। अकाली दल अते भाजपा तो बाद गल जेकर कांग्रेस की करिए, क्योंकि कांग्रेस के दो लीडरां नूं सद्दा मुख्यमंत्री भगवंत मान दे वल्लों दिता गया है। एक प्रधान ने पंजाब इकाई दे राजा वड़ेंगा अते दूजे हन विरोधी धिर दे नेता। राजा वड़ेंग तां पतली गली दे विचों निकल गए सन, पहलां ही कह के उन्होंने गल्लां-गल्लां दे विच आख दिता सी मैं नहीं जावांगा, सिद्धा नहीं आख्या सी पर गल्लां-गल्लां दे विच उन्होंने स्पष्ट कर दिता सी। पर विरोधी धिर दे नेता प्रताप सिंह बाजवा अजे भी अड़े हुए ने कि मैं जाना चाहुंदा हां पर सरकार जानकारी तां देवे कि बहस होनी किवें है। देखो जज भी है, ज्यूरी भी इन्हां दी, एग्जीक्यूशनर भी है। तुसीं मैनूं दसो जिथे एक तो भी अजे तक साढ़े को पास नहीं आया। मोडीएटर इन्हां ने अपना पुराना साथी जिहदा है पिछले कोई 20-25-30 साल कट्ठे स्टेजा शेयर करते हैं, वो मोडीएटर है। दूजी सारे इंपॉर्टेंट गल, सानू जौड़ा साहब दे कोई प्रॉब्लम नहीं, बट जौड़ा साहब गवर्नमेंट इंपलॉय ने, इज अ फर्स्ट क्लास इंपलॉय ऑफ द पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। तुम समझ सकते हो कि एक मोडीएटर अपने जिथे गवर्नमेंट इंपलॉय होए अपने चीफ मिनिस्टर कितने गलत दस सकता है या किसी रोक सकता उत्थे बोलने तो जी। तो 1200 बंदा जो अंदर लैके चले वह सानू कोई परपज समझाओ, तुम पुलिस छावनी बना ली, डू वी रियली नीड उ साडा तो मनना सी कि कोई भी उत्थे बराबर के बंदे हो। मैं भी जेड प्रोटेक्ट हाँ, मैं अपनी सिक्योरिटी छड के जावा, भगवंत मान अपनी छड के जाए, जिन्हें लीडर आते हैं दे मस्ट ऑल लीव द सिक्योरिटी आउटसाइड। इस तरीके नाल सारियां ही विरोधी पार्टियां दे वल्लों सरकार तो जानकारी मंगी जा रही है कि जो भी नियम होणगे, जो भी प्रक्रिया होवेगी खुली बहस दी, कौन बैठेगा, कौन मीडिएटर बनेगा, कौन पहला बोलेगा, बाद च बोलेगा, किन्ना समा बोलेगा, जज कौन होवेगा, नतीजा कौन कढेगा, यह सारी जानकारी विरोधी धिरां दे वल्लों मंगी जा रही है। पर आम आदमी पार्टी अजिही कोई भी जानकारी देण लई तैयार नहीं है। सगों आम आदमी पार्टी कहती है कि विरोधी तरह के लीडर जानकारी मंग के बहस तो भजन का बहाना लभ रहे ने। आ पंजाब के बुलारे मालविंदर सिंह कंग कहते हैं सार्थक बहस नहीं चाहते विरोधी लीडर, इस करके वह बहाने बना रहे ने कि किसी ना किसी तरीके उन्होंने बहस दे विच ना आना पवे। भगवंत मान ने सारियां नूं चैलेंज किया होया है, क्योंकि भगवंत मान एक ईमानदार लीडर हैं, ये ईमानदार नहीं, इस करके बहस दे विच नहीं आना चाहते। आम आदमी पार्टी लगातार इको गल करती दिखाई दिंदी है कि साडा मुख्यमंत्री वधिया लीडर है, ईमानदार है, पर यह सारे चोर हैं, इस करके ही यह बहस तो भज रहे ने। गल जेकर बुद्धिजीवियां अते सियासी माहिरां दी कीती जावे तां उह लगातार विरोधी तरां दे लीडरां नूं इको नसीहत दे रहे ने कि भगवंत मान ने तुहानूं फसाउण दी चाल खेडी है, तुसीं भगवंत मान दी चाल दे विच नहीं फसना है। हुण पटियाला तो साबका संसद मैंबर डॉक्टर धर्मवीर गांधी दे वल्लों भी विरोधी तरां दे लीडरां नूं इक नसीहत दे दी गई है। उन्होंने सोशल मीडिया से लिखा कि शिकारी ने दाणा डाला है, कबूतर को जाल में नहीं फसना है। 1 नवंबर नूं विरोधी पक्ष का जो भी लीडर लुधियाने जाएगा मारा जाएगा। डॉक्टर धर्मवीर गांधी ने इत्थे मारा जाएगा का मतलब है कि सियासी तौर पर उसकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती आम आदमी पार्टी के वल्लों की जाएगी। हुण पंजाब दे विच चर्चावां तां इह वी चलण लग पईआं ने कि आम आदमी पार्टी दे वल्लों इस नूं इक वड्डा सियासी प्रोग्राम बनाया जा सकदा है अते इसका प्रचार पूरे भारत दे विच मशहूरियां दे के भी कीता जा सकदा है कि वेखो इतिहास दे विच पहली वार अजिहा होया किसे सूबे दे मुख्यमंत्री ने बहस सद्दी अते उस दे विच रज के बेइज्जती विरोधी पार्टियां दी कीती गई है। इस दी मशहूरी भी कीती जा सकदी है, हालांकि कीती जावेगी जां फिर नहीं इह तां मुख्यमंत्री भगवंत मान ही जाणदे ने, पर विरोधी लीडर की हालत इस वेले पतली होंगी दिखाई देती है। राय इतने असं थोड़ी भी जान लेना चाहते हैं, तुहानू की लगता है अजिही स्थिति दे विच विरोधी धिरां दे लीडरां नू की करना चाहिए है, बहस दे विच जाण जां फिर नहीं, कमेंट करके तुसी अपनी राय जरूर दिओ। जेकर इस तरह ही हर खबर नू निरपक्षता नाल वेखते रहना चाहते हो तो यूट्यूब ते पंजाब टीवी दे चैनल नू सबसक्राइब कर लो, फेसबुक ते पेज लाइक कर लो। मैं जज सिंह चाहल अगली बार फिर हाजिर होवांगा, तुसी देखदे रहो पंजाब टीवी, हर खबर का सच।